हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के इस नए और एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आईटीबीपी में निकलने वाली हैं 530 पोस्ट। क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आगे जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपके लिए। अगर आप मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सारे वीडियो मैं इस चैनल पर रोज़ अपलोड करता हूं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल आइकन दिख रहा है इस बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जॉब से आप वंचित नहीं रहना चाहते। प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आईटीबीपी में निकलने वाली है 530 पोस्ट। ये 530 होगी, अलग अलग कैटेगरी की होगी। इसमें दो पोस्ट निकलेंगे दोस्तों। पहला निकलेगा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और दूसरा होगा हेड कॉन्स्टेबल। अगर हेड कॉन्स्टेबल की बात करें जो तो 400 पोस्ट निकलेंगी। हेड कॉन्स्टेबल की अगर बात की जाए तो आपकी जो हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी होगी लगभग वो जनरल और ओबीसी को मिलाकर के 400 पोस्ट निकलेगी। जनरल और ओबीसी के निकले 400 पोस्ट निकलेगी। और जो हेड कॉन्स्टेबल होगी, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपकी जो पोस्ट होगी लगभग आपके 130 पोस्ट निकलेगी। अगर इसमें आपकी हाइट की अगर बात की जाए तो ओबीसी जनरल की आपकी लगभग आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और वीमेन कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो वीमेन कैंडिडेट को मिला ऐसी सबको मिला करके 157 सेंटीमीटर। और अदर कैंडिडेट के लिए जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, आसाम अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश जैसे जीटीए इत्यादि स्टेट के लिए आपकी जो हाइट लगभग होगी 162 हो जाएगी। जैसे कि मराठा हो गया, जैसे आसामीस हो गया, कुमाऊँस हो गया, जाट हो गया, ऐसे जो आरक्षण जाति के लिए आपकी जो हाइट लगभग 162 होगी। अगर इसकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता की अगर मैं बात की हूँ तो एस सी और एस टी के लिए आपकी जो आरक्षण मिलेगी इसमें पाँच साल की छूट मिलेगी SC ST को। और अगर जनरल कैंडिडेट की अगर बात करें तो इसमें नए नियम लागू के अनुसार आपकी 10% जो आरक्षण है इस बार इस वैकेंसी में 10% आरक्षण लागू होगी। 10% आरक्षण लागू होने बाद शायद आपकी जो एज लिमिट है शायद 1 या 2 साल इसमें बढ़ सकते। अगर आप ये मान कर चल लीजिए तो अगर आपकी एज 18 से 23 साल है अगर है तो आपकी जो साल होगा 24 या 25 साल हो गया। और ओबीसी की अगर बात करें ओबीसी में इसकी 3 साल की छूट मिलेगी। और इसकी अगर बात कीजिए जो पहले इसकी फिजिकल होगा दोस्तों, फिजिकल के बाद आपका जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको मैथ रीजनिंग ऐसे कोई सब्जेक्ट में आप अगर जीके की बात करें जीके तो आपको 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलकर आपके जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मार्क का एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते आप मेडिकल के लिए जा पाएंगे। तो अगर इसकी बात की जाए पे स्केल की बात करें आपके बेसिक पे होगा लगभग आपके 21,700 रुपये बेसिक पे होगा। और ग्रेड पे होगा दोस्तों 69,700 रुपये। अगर ग्रेड पे की बात की जाए तो 69,700 रुपये होंगी। इसकी जो ऑनलाइन डेट है लगभग 11/4/2019 से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि ऑनलाइन अब जो ऑनलाइन की अगर बात की पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन हो जाएगी क्योंकि नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है। तो बात की जाए एग्ज़ाम फीस की बात करें तो SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। SC ST वुमेन और SC ST अदर कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं लगेगा। और जनरल की बात करें जनरल OBC बात की बात की जाए तो जनरल OBC के लिए आपकी जो फीस होगी वो लगभग 100 रुपये होंगी। तो यही था मेरे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ही पता चले कि आईटीबीपी के अंदर
2019 की पहली वैकेंसी है। तो इस वीडियो को सब अपने फ्रेंड दोस्त रिलेटिव में सब फैला दीजिए दोस्तों। और अगर मेरे इस चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और अगले वीडियो मैं बताऊँगा कि ITBP जो रिक्रूटमेंट होगी इसमें क्या आपको फिजिकल के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा इस वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।